हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं सूरज, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आपको बहुत सारे ऐसे भारत के जो भेड़ुए हैं जिसे कि आप नेता कहते हैं, तो उन लोगों के द्वारा आपने सुना होगा कि आज नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत ही अलग अलग जो जगहों पर स्थित है, जो पुराने मंदिर हैं जिसका कि हम नाम भी नहीं जानते थे, आज उस मंदिर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस तरह से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उसे भव्यता दी जा रही है, उसे सुंदरता दी जा रही है, उसे किस तरह से मरम्मती कराई जा रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो मतलब भड़ुआ पहले बोल चुका था, उन लोगों के द्वारा यही बोला जाता है कि भारत में इस तरह से मंदिर बनाने का क्या फायदा, और यदि भारत सरकार इतना खर्चा कर ही रही है तो उसकी जगह पर जो अस्पताल है उसका निर्माण करा दिया जाए। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक मंदिर बनाने से कितने लोगों को रोजगार मिलती है। आखिर आज भारत जो है वो बेरोजगारी से तो जूझ ही रहा है, जैसे कि किसी के द्वारा यह मना नहीं किया जा सकता, कोई इसे नकार नहीं सकता कि हाँ वास्तव में आज देश में बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन आप सोचिए, जब एक मंदिर का निर्माण होता है, जब एक बहुत बड़ा मंदिर बन जाता है और वहाँ पर जब दर्शक लोग जाने लगते हैं, जब श्रद्धालु जाने लगते हैं, पर्यटक के रूप में वह विकसित हो जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो बिजनेस होता है, जिसका कारोबार होता है, वो बहुत ही फल फूल जाता है। अच्छी तरह से आप कहीं भी मंदिर जाते होंगे, वहाँ पर देखते होंगे जिस तरह से जो प्रसाद की दुकान होती है, अगल बगल रेस्टोरेंट होते हैं, होटल्स होते हैं, और भी अनेक प्रकार से मेला टाइप से जब लग जाता है तो वहाँ पर किस तरह से बहुत सारे ऐसे आसपास के जिस एरिया में मंदिर है और उसके आसपास के बहुत सारे छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं वो अपना दुकान लगाने लग जाते हैं, तथा उनकी बिक्री बढ़ जाती है, उनकी आमदनी बढ़ जाती है, वो घर पर ही रह करके अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाते हैं। तो सोचिए कि किस तरह से एक तो हमारे जो भगवान की जो इज्जत होती है, जिसे हम भले आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे टूटे फूटे मंदिर हैं जिस पर किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है और वो खंडहर जैसा बन जाता है, लेकिन वो किसी समय में अच्छा मंदिर हुआ करता है और किसी चीज़ के लिए स्पेशल वो किसी भगवान का होता है, तो हमें उन सब चीज़ों को डेवलप करना चाहिए, लेकिन हम वैसा डेवलप नहीं कर पाते। लेकिन जब सरकार ऐसे बहुत ही, जैसे आप देख रहे हैं कि उज्जैन का हो गया, मथुरा का हो गया, और भी अलग अलग प्रकार से जो काशी वगैरह हो गया, अयोध्या हो गया, और इस प्रकार से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, मतलब जो कांग्रेस के जमाने में उसका अस्तित्व मिटा दिया जाने का प्रयास किया जा रहा था, आज उसी को जीर्णोद्वार किया जा रहा है तथा उसे भव्यता दी जा रही है। तो अब सोचिए कि वहाँ पर किस तरह से जो एक मेला के टाइप से लग जाता है, तथा वहाँ पर जो छोटे मोटे कारोबारी होते हैं उनका अपना पेट चलने लगता है, उनका घर चलने लग जाता है उन श्रद्धालुओं के आने जाने से। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज जो कदम उठाई जा रही है बहुत ही काबिले तारीफ है, जो कि अनगिनत लोगों को एक अप्रत्यक्ष तरीके से वहाँ पर रोजगार मिल जा रहा है, जो कि यदि उस टाइप से यदि उनका घर के पास ही अच्छा खासा उनका रोजगार चलेगा तो आखिर वे लोग प्लानिंग क्यों करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आप यही सोच सकते हैं ना कि जो सरकार के द्वारा जो ये काम की जा रही है बहुत ही अच्छी, जो उनका कदम है वो बहुत ही अच्छी जगह पर जा रही है।